से लगी क्या? नहीं सर। आज तुम्हारा ध्यान खेल में बिल्कुल भी नहीं। लाओ जरा देखो। हो गई छुट्टी, तुम्हारी आज की प्रैक्टिस तो खत्म, जाके आराम करो। सर आप अच्छी तरह जानते हैं कि इससे पहले भी मैंने कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। सर मेरा गेम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो सुमित, बीती बातों को तुम बिल्कुल भूल जाओ, आज की बात करो। आज की, आज तुम लोग किस तरह खेल रहे हो उस दम पर तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है। गॉट माय पॉइंट? यस सर। इसलिए कल अपने खेल में पूरी जान लगा देना। कोशिश तो मैंने आज भी की थी अच्छा खेलने की, लेकिन जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मेरी बॉडी को कोई और कंट्रोल कर रहा है। कोई और? जी सर। सर पहली बॉल पर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़कर खींचा है। ऐसा नहीं हो सकता। और सर जिस वक्त मेरे सर पर चोट लगी उस वक्त मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा सर पकड़कर जबरदस्ती मोड़ दिया हो। सुमित तुम बहानेबाजी क्यों कर रहे हो? एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि खेल में तुम्हारा ध्यान था ही? सर मैं अब आपको कैसे समझाऊं? शायद टेंशन की वजह से तुम्हारा गेम खराब हो रहा है। कीर्ति ये कौन सी किताब पढ़ रहे थे? काले जादू की किताब। मुझे इसे पढ़ने में बहुत मजा आता है। इस किताब में दुनिया भर के जादू टोने की कहानी है। तो इन चीजों पर विश्वास करता है? ऑफ कोर्स। मुझे याद है मेरे डैडी के गांव का सरपंच जादू टोनों की वजह से ही इलेक्शन हार गया। वो कैसे? उसका खून उसके दरवाजे के सामने डाल दिया। दूसरे दिन सवेरे जब वो सरपंच खेत जाने के लिए घर से बाहर निकला तो उसका पैर उस मुर्गे के खून पर पड़ गया। बस फिर वो इलेक्शन हार गया और इलेक्शन हारते ही उसके बर्बादी के दिन शुरू हो गए। यार ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने मतलब के लिए दूसरों के ऊपर जादू टोना करते हैं। अरे यार बस कर यार, बंद कर ये सब बातें। गुड शॉट। मैं कहता था ना एक जबरदस्त बैट्समैन है ये। खेलता तो अच्छा है, वापस फॉर्म में आ गया। एक्सलेंट। अब हो गया तुम्हारा काम तमाम हमेशा के लिए। अरे मजा तो बहुत खून निकल रहा है। सुई भी है सर। उसे मत छुए सर। सर वो उठो डाल। हाँ सर, इसमें ना जाने क्या क्या पूरी शक्ति होंगी। सर कुछ देर हाथ में पकड़ने से इसका असर हो सकता है। सर फेंक दीजिए सर। क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सर यहाँ एक आदमी प्रेस फोटोग्राफर बनकर बैठा हुआ था, वो उस वुडू डॉल के जरिए सुमित को जख्मी कर रहा था, उसका खेल खराब कर रहा था ताकि आप उसे सेलेक्ट ना कर सके। देखो मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता, मेरा मतलब जादू टोना और सुपरनैचुरल पर। सर मेरा यकीन कीजिए, इस डॉल में शक्ति है।
अब खुद सोचिए, खेलते खेलते अचानक सुमित को क्या हो जाता था? और एक बॉल भी ठीक से नहीं खेल सका, उसका कारण सर ये मोटू डॉल ही है। मैं इस चीज को नहीं मानता, सुमित का प्रॉब्लम कुछ और ही था। ठीक है सर, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। इस कपड़े के टुकड़े को देखिए, जिस डॉल को बना हुआ है, अपने हाथ से बताऊंगा ये किसका है और कहां से है। सर, इसके लिए हमें सुमित के रूम पर चलना पड़ेगा। मैं सुमित के कपड़े देख रहा हूं सर। मिल गया सर। सर देखिए सर, ये कपड़ा यहां से कटा हुआ सर। हाँ। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। तुम कहना क्या चाहते हो कि यहीं से काटा गया है। ये कपड़ा सुमित की टी-शर्ट का ही है। मेरा कहने का मतलब है कि ये सर, मैंने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा और लोगों से सुना है। ये एक प्रकार का जादू है, अफ्रीकन जादू, जिसे भी हम मानना चाहते हैं उसके शक्ल की डॉल बनाई जाती है। फिर उसके कपड़े का टुकड़ा लेकर इस डॉल में लपेट दिया जाता है। जो कुछ भी हम इस डॉल के साथ करेंगे वही सब कुछ उस आदमी के साथ भी होगा। इसे वुडू कहते हैं। वुडू? तुम्हारा मतलब है अगर कोई आदमी मेरी शक्ल की गुड़िया बनाकर उस पर मेरी शर्ट का कपड़ा लपेट दे मुझे मार सकता है? नहीं, ये इतना आसान नहीं। इसका भी अपना एक तरीका है और कुछ मंत्र होते हैं जिसके जरिए डॉल में शक्ति डाली जाती है। पूरी दुनिया में बहुत कम लोग इस विद्या को जानते हैं। डॉल शापित होती है। क्या हो रहा है मेरे रूम में? सुमित, पिछले 3 दिनों से जो कुछ तेरे साथ हो रहा था उसकी वजह मैंने ढूंढ निकाली है। क्या वजह? वुडू डॉल, इस बैग, उसके बाल तो बिल्कुल मेरे जैसे। तो तू ही है यार। अच्छा उस वक्त तेरे को क्या हो गया था जब तूने पेट पकड़ लिया था? विश्वास नहीं करता कि मैं कुछ जांच नहीं लेना। हो सकता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आप कोशिश करके देखो। तुम ही करो। हाँ तुम ही करो। डर लग रहा है। अंदर जाने दिया। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि वो एक पत्रकार है, इसीलिए। क्या तुमने उसका प्रेस कार्ड चेक किया था? नहीं साहब। देखो इसके लिए मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। लेकिन साहब उसने ये भी तो कहा था कि वो मोहन साहब का दोस्त है, इसीलिए मैंने उसे अंदर जाने दिया। मोहन का दोस्त? हाँ हाँ याद आया,
उस दिन जब पहली बार हमने उसे पकड़ा था उस वक्त वो सुमित के किट बैग में से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि इतने में मोहन वहां आ गया और उसने हमें उस फोटोग्राफर से कुछ ज्यादा पूछताछ भी नहीं करने दी कि वो कौन है और कहां से आया है। और हमेशा उसे नीचे दिखाने की कोशिश भी करता है। इसमें मोहन का हाथ हो। मेरे ख्याल से हमें मोहन से बात करनी चाहिए। क्या? ये क्या कर रहे हो? तुमने और तुम्हारे उस फोटोग्राफर दोस्त ने मिलकर सुमित पे वुडू किया है। मत बोलो झूठ, सबूत मिल गया है, इसलिए मैं तुम्हें इसी वक्त सस्पेंड करता हूं। चले जाओ यहां से। मैं तुम्हारा बैग जरूर चेक करूंगा। जाने तुमने और किस किस की फोटो डॉल उसमें बना कर दी? हो सकता है मेरी हो या फिर मिस्टर शर्मा की हो। देखिए बैग मत खोलिए सर। एक मिनट, मोहन इसके अंदर कुछ ही नहीं है सर। मोहन बैग है, प्यारे मोहन, अपने प्लान के मुताबिक मैंने वो डॉल तैयार कर ली। अब सिर्फ सुमित के किसी कपड़े का टुकड़ा चाहिए। वो मैं ग्राउंड पर आकर उसके बैग में से कपड़े निकालकर काट लूंगा। मैं तुम्हारा नाम लेकर मैदान के अंदर घुसाऊंगा। देखो, अब इतना हो जाने के बाद अपना वादा मत भूल जाना। जितना भी पैसा अब तुम कमाओगे, चाहे करोड़ों ही में क्यों ना हो, उसमें से आधे मेरे होंगे। समझे? आधे मेरे। तुम्हारा नीचे कोई नाम नहीं लिखा। कमीने, नेक्स्ट टीम के सिलेक्शन के लिए तू मुझे जान से मार देना चाहता था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कंट्रोल योरसेल्फ और इस बात का फैसला मैनेजर साहब को करने दे। देखिए सर, ये सब गलत है सर। ये सर किसी की साजिश है मेरे खिलाफ। मैंने कुछ नहीं किया। बंद करो अपना ये नाटक। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें अभी सस्पेंड करता हूं। निकल जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ जाओ। मेरा सिलेक्शन? अब अपना सिलेक्शन इस मुझे गांव से करवा। गेट आउट। देखिए सर, आप ठीक नहीं कर रहे सर। चले जाओ मोहन यहाँ से। सर मैं कहता हूँ जाओ। ठीक, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। जाओ यहाँ से। ऑल द बेस्ट सर। वो मुझे फिर से मारने की कोशिश करेगा सर। मुझे पहले ही शक था कि वो ऐसा ही कुछ करेगा, इसलिए पहले से ही मैंने इसे निकाल लिया था। वो तो डाल काम नहीं करेगी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तो छोड़िए, यहाँ तो मुझे टीम से ही सस्पेंड कर दिया गया, वो भी इस डॉल की वजह से। डॉल की वजह से? दिखाओ इधर। ये तो वुडू डॉल, तुम जानते हो ये कितनी खतरनाक हो सकती है। मुझे पता है, मैं इसका असर सुमित पर देख चुका हूँ। हाँ, उन लोगों ने मुझ पर ये इल्जाम लगाकर मुझे सस्पेंड करवा दिया कि इस डॉल के जरिए मैंने सुमित पर जादू करवाया ताकि उसका सिलेक्शन ना होकर मेरा हो जाए। वुडू के बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ। मुझे पता लगा है साजिश किसकी है। इसमें तो कोई शक्ति ही नहीं है। इस पर एक कपड़ा बना हुआ। कपड़े से कुछ नहीं होता, इसमें शुरू से ही कोई जादुई शक्ति नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद इसका असर सुमित पर देखा है। सुमित पर? अब समझ आया। तो किसी ने जान पूछ कर
अपना वादा दे यार। अभी 5 लाख रुपए और बाद में बाकी की कमाई का आधा। अच्छी तरह। अरे तुमने तो मेरी जिंदगी बना दी। अगर उस दिन तुम मेरे पास नहीं आए होते तो मुझे लगा कि पैसा कमाने का अच्छा अब मोहन तो फकड़ा गया तो ऐसे ना मैंने सोचा कि मुझे तुम्हारे पास बलमंद आदमी हो। हाँ ये तो सच है लेकिन ये भी सच है कि मुझे वोटों तो कुछ नहीं आता लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाने की आर्ट मुझे बहुत अच्छे तरीके से मानता हूँ इस बात को। अरे उस मैनेजर और शर्मा की हालत देखी थी दोनों के चेहरे से हवाई उड़ गई थी। मुझे कुछ हिस्सा जरूर मिलना चाहिए क्योंकि मैंने उन लोगों को डराया था और मोहन के किट बैग में वो लेटर भी मैंने ही रखा था ना। अबे कीर्ति फिकर मत कर तू मुझे भी माला माल कर दे। अरे मैं तो वैसे ही रईस बाप का बेटा हूँ। अरे हाँ उस साले मोहन तो हमने खूब बेवकूफ कहीं का नहीं रहा हो उन्होंने अच्छा नहीं किया मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी मेरा करियर तबाह कर दिया। नहीं नहीं वोडू का भी मजाक उड़ाया है उसका गलत इस्तेमाल किया। सुमित को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जादुई शक्ति डाल के ले सकते लेकिन कपड़ा नहीं है। कपड़े से कुछ नहीं होगा तुम्हें सिर्फ आदमी की जरूरत है जो इसमें शक्ति डाल सकते और वो आदमी तो मैंने इनकार किया था लेकिन सुमित को सबक सिखाने के लिए मैं इसमें शब्द डालूंगा। गुड़िया में शक्ति दे जादुई शक्ति भर दे इसमें। अब इस डॉल में वुडू शक्ति आ गई है सलूक इसके साथ ये नेशनल टीम में मेरी जगह अपना सिलेक्शन करने के लिए है। Oh!